मैं आपको और एक आज कहानी कहना चाहता हूँ. देखिए, इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल लॉन्ग आंसर, बट आई विल टेल यू द ट्रूथ. मैं 23 साल का था, रिपोर्टर था, इधर सब कुछ छोड़ के मैंने भी ऑक्सफोर्ड में पढ़ा था, मुझे भी MNC में नौकरी मिल सकती थी, मगर मैंने चूज़ किया कि मैं रिपोर्टर बनूंगा. जब हम रिपोर्टर थे तो पता नहीं इनमें से कितनों ने 30,000 कोर्ट्स में जैन हवाला कांड कवर किया है. मैं हर सुबह 30,000 कोर्ट जाता था और हर सुबह वहाँ पे खड़ा रहता था 23 नंबर कोर्ट के बाहर, और कल्पनाथ राय, लाल कृष्ण आडवाणी ये सब आते थे, खराब मूड में थे हमेशा, सबको पेशी देनी होती थी. और हम, वो बहुत ही एक गहरा सवाल है जर्नलिज्म में जो हर जर्नलिस्ट पूछता है, जो मैंने भी पूछा, बाहर आते थे और बुरा मूड था, गर्मी थी, और हम माइक लेके जाके पूछते थे आपको कैसा लग रहा है. मार खाते थे हम दिल्ली पुलिस से, मार खाते थे हम, डेली मार खाते थे. मार खाने से कोई कष्ट नहीं होता है, मगर एक बार गेट नंबर 4 के बाहर एक लॉ मिनिस्टर थे, उनका नाम था रमाकांत खलप, गोवा के थे. सवाल पूछा था उनको मैंने, उनको अच्छा नहीं लगा जिस टोन में मैंने सवाल पूछा. वापस गया तो मुझे हमारे सुपर बॉस ने बुलाया रूम पे और बोला कि आपने कानून मंत्री के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है. मैंने बोला मैंने नहीं किया है. बोले नहीं नहीं आपने किया, आप जाके क्षमा मांगिए. और मुझे 23 साल की उम्र में उनके पास जाके मुझे बोलना पड़ा दैट मिस्टर खलप आई डोंट नो व्हाई यू आर अपसेट बट ओके आई एम सॉरी. यू नो व्हाई आई सेड दैट? यू नो व्हाई आई सेड सॉरी? बिकॉज आई हैड टू पे माय रेंट, बिकॉज आई हैड टू कीप माय जॉब. इट्स नॉट नाइस, इट्स नॉट इजी फॉर अ ऑनेस्ट रिपोर्टर टू से सॉरी टू अ पॉलिटिशियन फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज. आई वॉन्ट यू टू नो दिस टूडे that my generation has been through a lot of struggle and I came to this city with nothing, Manak. I first came to this city for a job. I could not get a job. I had to go to Calcutta kyunki idhar connection ke jab haath mein connection nahi hota hai, kisi ke number nahi hote hai, to naukri nahi milti hai. Oxford ka post graduate tha main, scholarship se gaya tha Kendriya Vidyalaya se leke Hindu College, fir Oxford pahuncha. Jab main wapas aaya Oxford mein, Delhi mein mujhe junior sub editor ki naukri nahi mili, क्योंकि हमारे लिए रिकमेंडेशंस देने वाले कोई नहीं थे. ये सब आपको मैं आज ये कह रहा हूं ताकि आप हमारे कॉन्टेक्स्ट को समझें. ये सब होते हुए हमने स्ट्रगल किया. आज जब मैं कोई पोजीशन में पहुंचा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं सॉफ्ट बन जाऊं कि अगले जो 15-20 साल है मेरे जर्नलिज्म के प्रोफेशन में जो मेरे में है, और मुझे तो लगता है मरते दम तक मैं रिटायर नहीं करूंगा, मैं आपको पूछ रहा हूं मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? मैं अपने लिए कोठी बनाऊं, घर बनाऊं, खूब सारे पैसे अर्न करूं, या मैं कोई चेंज लाऊं? मैं चेंज क्यों ला रहा हूं? मैंने नौकरी क्यों छोड़ी? क्योंकि मैंने जो कहा, आई हैव डिक्लेयर्ड माय इंडिपेंडेंस एंड आई वांट यू टू नो दिस, इट इज अ बिग रिस्क वी टेक दिस रिस्क बिकॉज वी बिलीव इन यू, वी बिलीव इन यू, दैट्स ऑल. आई एम नॉट मेकिंग अ स्पीच हियर मानक, बट आई हैव नॉट डिवाइडेड इंडिया, आई हैव रेज्ड क्वेश्चंस. The issues that I have raised are relevant. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें. तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.